ये सर जी बात करें अगर दालों की, तो दालों में तो देख रहे हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है दालों का काफ़ी ज़्यादा है, दालें महंगी हैं रिटेल में, लेकिन किसानों को दाम सही नहीं मिल रहा है, उनको MSP नहीं मिल रही है, मिल पा रही है। थोक कारोबारी हुए, उनका ये कहना है कि जो चना है MSP के नीचे ही ट्रेड कर रहा, नीचे ही बिक रहा है, चाहे डॉलर चना हो वो भी MSP के नीचे है, और ज़्यादातर दालें MSP के नीचे ही देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में अब आगे दलहन बाज़ार कैसा रह सकता है? देखिए, दलहन बाजार तो अभी दबाव वाला ही रह सकता है और दलहन में अभी फिलहाल तेजी नहीं है। काफी लंबे अरसे से हम यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि दालों में फिलहाल बाजारों में अपसाइड मोमेंटम नहीं है। दालें एक सीमित दायरे में कारोबार करती दिखाई दे सकती है, इनफेक्ट प्रेशर बना रह सकता है। हाँ, अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है दालों की कीमतों के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे, लेकिन फिलहाल के लिए बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते दिखाई दे सकते हैं। जी,